दिग्गज निवेशक और अमीर लोगों में शुमार वॉरेन बफे के अनुसार सिंगल इनकम पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरा स्रोत बनाने के लिए हमेशा निवेश करना चाहिए, जिसके लिए हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अपस्टॉक्स, जो रतन टाटा जी और टाइगर ग्लोबल यूएस द्वारा समर्थित है। इस प्लेटफॉर्म में 40 लाख से ज्यादा लोग ट्रेडिंग कर बहुत पैसा कमा रहे हैं। यहाँ से आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी अकाउंट खोलिए और बचत में से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि आपको एक बड़े ट्रेंड को पकड़ना चाहिए, और एक बड़ा ट्रेंड जो चल रहा है कमोडिटीज का चल रहा है। कमोडिटीज में हमने देखा है कि स्टील के बारे में अभी सब लोग गर्म हो चुके हैं, स्टील 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 बात कर रहे हैं, बट एक ऐसा स्पेस है सर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टील के लिए, जिसको रिफ्रैक्टरीज होते हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ कि रिफ्रैक्टरीज होता क्या है। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज सर, रिफ्रैक्टरीज एक ढांचा होता है जिसमें मेल्टिंग स्मेल्टिंग हीटिंग कन्वर्जन सब स्टील का होता है। अगर अगर वो ढांचा ही ना हो तो आप स्टील बना ही नहीं सकते। इट इज एज सिंपल। वो एक सेरेमिक मटेरियल होता है जिसमें आप 1000 डिग्री 2000 डिग्री 1500 डिग्री जो हाईएस्ट से हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, आपको उस ढांचे में आपको मेल्टिंग हीटिंग कन्वर्जन सब कुछ करना पड़ता है। ये रिफ्रैक्टरीज होती है, मतलब इसमें करोजन हुआ, केमिकल एजेंट्स हुआ, कोई फिजिकल वेयर एंड टेयर हुआ, अगर ये नहीं होगा तो वो कुछ हो ही नहीं सकता। सो अगर स्टील बनाना तो आपको रिफ्रैक्टरी चाहिए। सो ये रिफ्रैक्टरी होता है। नाउ हम क्यों, मतलब हम लोग बहुत टाइम से रिफ्रैक्टरीज को देख रहे हैं जब से स्टील पकड़ा हुआ है। एंड आई विल टेल यू व्हाई रिफ्रैक्टरीज। रिफ्रैक्टरीज क्यों सर, बिकॉज जो रेवेन्यू ग्रोथ मल्टीप्लायर होता है रिफ्रैक्टरी का, दैट इज 2.2 टाइम्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन। अगर स्टील प्रोडक्शन आपका 100 ऊपर जाएगा तो रिफ्रैक्टरी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है सर वो 2.2 टाइम्स होता है। सो रिफ्रैक्टरीज ग्रोथ 2.25 टाइम्स फास्टर देन स्टील। सर अगर कोला सबसे ज्यादा कॉस्ट होता है स्टील का, विच इज अराउंड 38-40%, देन रिफ्रैक्टरीज इज द सेकंड हाईएस्ट कॉस्ट, विच इज 18-20%। सब मिला के तो इतना इतना इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है स्टील के लिए। और ये कमोडिटी नहीं है सर, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी लगता है। और इसीलिए इंडिया में सिर्फ 4-5 प्लेयर्स हैं, और 4-5 प्लेयर्स जो भी है वो सारे के सारे एमएनसीज हैं, बिकॉज इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है, प्राइसिंग पावर है इस फील्ड में। सर एक टन स्टील बनाने के लिए 14-15 किलो ऑफ रिफ्रैक्टरी लगता है। आज की टाइम में जो हम बोलते हैं कि 100 मिलियन टन स्टील का कैपेसिटी है, तो 14 लाख टन जो है वो साइज है रिफ्रैक्टरी का। और आज प्रोडक्शन जो इंडिया में होती है 15-16 लाख होती है। सो डिमांड एंड सप्लाई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सप्लाई है और डिमांड कम है, यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है जो हो रहा है। और आगे आगे जैसे स्टील का प्रोडक्शन बढ़ेगा, 120-130 मिलियन टन बढ़ेगा, तो आपको और रिफ्रैक्टरी चाहिए होगा। Now talking about the company, sir, one company which I have been advocating to my clients also, that's a disclaimer, I don't hold in my portfolio personally, is Orient Refractories. अब Orient Refractories का सर हम ओमकारा में क्या करते हैं, हम PPP ट्रिपल पी मॉडल के हिसाब से चलते हैं। तो पहला जो पी है वो सबसे जरूरी होता है, वो होता है प्रमोटर हमारे लिए। अभी प्रमोटर की अगर बात करते हैं सर, ये ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज में, तो ये एमएनसी कंपनी है सर, ये आरएचआई मैग्नेस्टिया ग्रुप है जो ऑस्ट्रिया का ग्रुप है, और ये ग्लोबल लीडर है रिफ्रैक्टरीज में। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है कंपनी के लिए आफ्टर यूरोप एंड नॉर्थ। सो इंडिया स्मॉल बिजनेस नहीं है इसके लिए। सर एक बहुत अच्छा चीज किया था इन्होंने, इन्होंने दो अनलिस्टेड कंपनीज थी इनकी जो थी, अभी उन दोनों अनलिस्टेड कंपनीज को इस कंपनी में मर्ज कर दिया है, विच गिव्स मी मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस प्रमोटर में, बिकॉज वो कोई भी कंपनी बाहर नहीं चाहता, वो चाहता है कि सारी की सारी कंपनीज इसी कंपनी में लेके जाओ। सर मर्जर के बाद इसका एबिटा डबल हो जाएगा और RHI का स्टेक 70% हो जाएगा इस कंपनी में। इसका नाम भी मेरे ख्याल में बाद में ओरिएंट रिफ्रैक्टरी से चेंज हो गए RHI मैग्नेस्टिया हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सर, इंडिया का जो MD है ऑल्सो ही हेड्स वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका ऑपरेशंस। तो पूरे का पूरा फोकस प्रमोटर का इस धंधे पे, इंडिया के धंधे पे है। वो मर्ज कर रहा है लिस्टेड कंपनीज को, वो पूरे का पूरा प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत ज्यादा बनाना है। दूसरा जो मैं हमेशा बोलता हूँ जरूरी है, प्रोडक्ट जो हमारे PPP मॉडल में आता है। सो प्रोडक्ट में इट्स अ लीडर, लीडर मतलब 25-30% ओवरऑल मार्केट शेयर है इंडिया में इन द रिफ्रैक्टरीज बिजनेस, तो ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज पोस्ट द मर्जर ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज। और जब ये मर्ज हो जाएगा सर, ये तो ये स्मॉल हुआ, मीडियम हुआ, लार्ज हुआ, जो भी अलग अलग स्टील प्लांट्स हुए, सबको ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देगा। और सर पेरेंट ने बोला है कि मैं इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाऊंगा, तो प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। वो छोटे से, बड़े से, मीडियम से सब प्लांट्स को ये अभी प्रोडक्ट ऑफरिंग दे रहा है।
प्राइस की बात करते हैं सर, जो लास्ट चीज होती है हमारे पीपीपी मॉडल में, नेट कैश कंपनी है सर, मर्जर के बाद इसका टॉप लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ 2200 करोड़ होगा, एबिटा 320 करोड़ होगा, 13-14 रुपया ये ईपीएस करेगा, विच मीन्स यू आर गेटिंग एन एमएनसी कंपनी जो 30% आरओसी करती है सर, 30% आरओसी करती है, 20 टाइम से कम आपको कंपनी मिल रही है, 17-18% मार्जिन है। अगर आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वर्सेस पीयर्स इट्स फिनोमिनल ट्रैक रिकॉर्ड, दे हैव बीन ग्रोइंग एट 15-20% CAGR, दे आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर एंड दे विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इन द स्टील साइकिल जब तक चलता है। रिस्क यही है कि अगर स्टील साइकिल उल्टा हो गया तो क्या होगा, तो इसलिए बोल रहा हूं सर कि अगर आप इस कंपनी को देख रहे हैं तो आपकी एमएनसी कंपनी आपको 20 टाइम से कम मिल रही है, 30% आरओसी मिल रही है और प्रमोटर सब कुछ कर रहा है ताकि यू नो सारी की सारी अनलिस्टेड कंपनी इसी में लेके जाया जाए। इसका एक एनसीएलटी अप्रूवल बाकी है सर मर्जर का, जब वो आ जाएगा देन आई थिंक इसके लिए बहुत बहुत बड़ा ट्रेंड होगा। सर की बात है जो आप हमेशा बाहर लेकर आते हैं, नाम से पता ही नहीं चलता कि एमएनसी कंपनी है, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की कोई कंपनी होगी। और जिन सर आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे, हाँ अरे इतनी मजबूत दमदार एकदम साफ, मैं ये कह रहा हूं कि यही तो खास बात है कि आप जो अंदर की बात लेकर आते हैं जो पता नहीं होता, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज नाम से पता नहीं चलता कि ये एमएनसी कंपनी होगी, और प्रमोटर भी ऐसे जिनका नाम लेना और बोल पाना भी आपके मेरे लिए मुश्किल काम है, लेकिन देखिए एमएनसी कंपनी बेहतरीन फंडामेंटल्स मजबूत रिसर्च, और ये है स्टॉक ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज।